सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ओरेखी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हुआ, जिसमें बच्चों द्वारा देशभक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानी बचाओ पर सुंदर प्रस्तुति दी गई। बच्चों ने होली के गानों पर जमकर लुत्फ़ उठाया। स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान गिरीश कुमार श्रीवास्तव ने की। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष रामेंद्र बना, विधायक नरेंद्र पाल सिंह जादून, हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष राजा सिंह सेंगर, नगर अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह राजावत पहुंचे और कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस मौके पर सोनीपत 24 चैनल के माध्यम से हमारे संवाददाता अनिल कुमार प्रजापति ने ग्रामीण लोगों के लिए पानी, बिजली और रास्ते को सही करवाने की मांग रखी। जालौन से अनिल प्रजापति की रिपोर्ट। बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या का निदान के लिए भविष्य में पेयजल के संकट आने वाला है और उसके समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 9000 करोड़ रुपया बुंदेलखंड को दिया है। हर घर को पाइपलाइन से पानी देने का निर्णय लिया है, उसमें पैसा भी आ गया है और सर्वे भी हो गया है और काम शुरू होने वाला है। कहीं बिछी है, पूरे हर गांव में नहीं है जी। जिस गांव में बिछी है उस गांव में पूरे गांव में पानी नहीं जा रहा है। वो पूरे गांव में पानी जाने की व्यवस्था और पूरे जहां कभी अभी योजना लागू नहीं है उन गांव का सर्वे होकर हर घर में टोटी से पानी दिया जाएगा। हैंडपाइप को समाप्त कर दिया गया है। ये पेयजल की सुविधा भविष्य में सुविधा ना हो लोगों को, ये संकल्प लिया है सरकार ने। उसके लिए पैसा भी आ गया है और ये काम शुरू हो गया है। 2022 तक सबको पानी घर में पहुंचा दिया जाएगा। और दूसरा ये बिजली, इसके पहले बिजली कम आती थी, बिल भी नहीं दिया जाता था, बिल आते ही नहीं था, बिजली नहीं देते थे तो बिल नहीं मांगते थे और जब बिल आता नहीं था तो किसान देता नहीं था। अब आज बिजली भी मिल रही है पर्याप्त, 18 घंटे 20 घंटे बिजली मिल रही है तो उसका उपयोग अब किसान और ग्रामीण और शहर में सब लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। बिजली पहले से ज़्यादा मिल रही है, ये तो आप हर क्षेत्र में सरकार ने चिंता की है। स्वास्थ्य विभाग में तो इतना बजट दिया है कि एक विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत, आपको पता होगा विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की योजना है आयुष्मान भारत। 5 लाख करीब पूरे हिंदुस्तान की आधी आबादी, लगभग 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। एक साल में 5 लाख निःशुल्क 5 लाख रुपए निःशुल्क चिकित्सा का मिलेगा। इसके अलावा हम लोगों के स्तर से, हम अपनी कलम से लगभग 3 करोड़ रुपए अपनी विधानसभा में उन मरीजों को दिला चुके हैं जो गंभीर रोग, किडनी है, कैंसर है, ऐसे रोगों से पीड़ित थे और हमने वो माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से पैसा दिलाया है। तो स्वास्थ्य की चिंता की जा रही है। अभी एक योजना चली है मुख्यमंत्री आरोग्य मेला, हर स्वास्थ्य केंद्रों पर PSC में इतवार को मेला लगता है उसका स्वास्थ्य, और उसमें कई मतलब जो पूरे हफ्ते नहीं जाते थे वहाँ, तो इतवार को हर मरीज जाता है, हर मरीज का परीक्षण होता है, हर मरीज को फ्री दवा दी जाती है।